आदाब नाजरीन, मैं शेख शाहिद, आरजेएस 24 न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत बरेश असदुद्दीन ओवैसी साहब और मोहतरम अली जनाब अलहाज हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जो है के इल्म में ला के उनकी हिदायत लेकर हम लोग जो है तमाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुनान व सुदूर मोतमदीन और नौजवाना ने हल्के असेंबली चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन पहुँच कर आज वर्मा साहब जो सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ चंद्रानगुट्टा है उनके सामने तहरीरी शिकायत की है। और हम इस शिकायत में हमने तहरीर ये किया है कि जो राजा सिंह जो सो कॉल्ड एक एमएलए है, जो एमएलए का हम समझते हैं कि जो है ना वो अहल ही नहीं है, क्योंकि बारह एक तो जो है वो अपनी जहर अफशाई जो है ना तरह तरह की जो है हथकंडे इस्तेमाल करते हुए वक्तन फ़ौक्तन जो है दिल आज़ारी करने का जो है वो जो है ठान लिया है, लिहाजा इस पर सैकड़ों केसेस बुक है। लेकिन आज तो वो उसने ये तो जो है शान रिसालत में गुस्ताखी कर उसने जो है अपनी हद से तजावीज़ कर चुका है, लिहाजा हम जो है यह तहरीरी तौर पे जमहूरी अंदाज में हम हमारा एहतजाज करते हुए हमने एक तहरीरी जो है शिकायत की है। अगर इस तहरीरी शिकायत पर हुकूमत को चाहिए और पुलिस महकमे को चाहिए और पुलिस महकमे के जो है ना आला अहदेदारों को चाहिए इसका सख्त नोट लेते हुए एक FIR करें। और आज ही की तारीख में हमारा ये मुतालबा है कि आज की तारीख में ही इस जो है शैतान को, मैं तो कहूँगा ना सिर्फ शैतान बल्कि मैं कहूँगा ये जो है शैतान का जो है बाप है, इसको जो है आप और जो है हुकूमत फौरी तौर पर हरकत में आते हुए इसको फौरी जो है गिरफ़्तार करें। और ना सिर्फ गिरफ़्तार करें बल्कि इसके ऊपर सैकड़ों केसेस दुनिया जानती है, दुनिया के सामने आया है कि ये दरिंदे के पास ऊपर जो है मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में शहर के सैकड़ों केसेस बुक है। फिर हुकूमत जो है के लिए लम्हे फ़िक्र है कि भाई ऐसे जो है एक दरिंदे को खुला अगर आप छोड़ेंगे, उसको महरूस नहीं करेंगे, तो और भी जो है शहर और रियासत की जो है अमन अमान को जो है ख़तरा हो सकता है। और ऐसे लोगों से ख़तरा लाहक है, बिलखसूस ये राजा सिंह के ख़िलाफ़ हमने जो तहरीरी शिकायत की इस पर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करते हुए इसे PD Act भी लगाते हुए इसको जो है जेल में भिजाया जाए। इसका सही ठिकाना सलाखों के पीछे है और इसका जो है नाम ही, क्योंकि एक खूनखार और एक जो है जानवर जो होता है उसको जो है बाहर खुला छोड़ा नहीं जाता बल्कि उसको जू के पिंजरे में रखा जाता है। इसको चाहिए कि जो है जेल के पिंजरे में लेके जाकर इसको महरूस रखे ताकि जो है ना शहर की अमन अमान सुकून से रह सके। हम हुकूमत से, हुकूमत तेलंगाना से और महकमे पुलिस के अहदेदारों से मुतालबा करते हैं कि शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले इस दरिंदा और शैतान सिफत राजा सिंह को फौरी गिरफ़्तार किया जाए और शहर को पुरअमन रखा जाए। रियासत में अमन का माहौल अगर बनाना है तो इस शैतान मलून को, जो सिर्फ इलेक्शन के प्रोपेगंडे के तहत शान रिसालत में गुस्ताखी करके मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रहा है, और इस मुसलसिल BJP के स्पोक पर्सन और BJP के लीडर्स जो शान रिसालत में गुस्ताखी करते आए हैं और उनकी हुकूमत की जानिब से हौसला अफजाई के नतीजे में ये दरिंदे दिन रात इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, अगर इनको लगाम ना दिया जाए, KCR साहब जो सेकुलर जहन रखते हैं हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि दीगर रियासतों में कुछ हो ना हो लेकिन हमारी रियासत तेलंगाना में इस दरिंदे को, इस शैतान को सख्त से सख्त सज़ा देने के लिए इमीडिएट गिरफ़्तार करने के अहकाम जारी करें और इन्हें गिरफ़्तार किया जाए।